हेलो, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज तो हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए, आज दिन भर बैठ के रूम पे टीवी देखे हैं, क्योंकि बाहर बहुत धूप किया हुआ था, इसके चलते हम नहीं गए हैं कहीं घूमने के लिए आज। और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए होटल में, और हो सकता है कि खाना खाकर जाएंगे समुद्र में नहाने के लिए, क्योंकि आज भर हैं, कल शाम को वापस अपने घर पलामू झारखंड के लिए रवाना होना है। और आज के वीडियो में पलामू झारखंड के भाइयों लोग को बताएंगे कि अगर आप लोग पूरी घूमना अगर चाहें तो कितना बजट होना चाहिए, कितना पैसा में पूरी आप लोग घूम पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम ए से लेकर जेड तक बताएंगे कि आपका मतलब यहाँ पे आने में कितना खर्च हो जाता है, आपके पास कितना पैसा हो रहना चाहिए, ये सब वीडियो में बताएंगे आगे। तो खाना खा लिए हैं और जा रहे हैं समुद्र में, मतलब समुद्र के किनारे रहेंगे और वहाँ पे जाके मस्ती करेंगे, क्योंकि इतना दूर से आए हैं तो मस्ती करना तो बनता है। और ऐसे भी हम झारखंडी हैं, जो चीज़ में हम लोग पैसा लगा देते हैं उस पैसा को लुप्त उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। का हो झारखंडी भाई, ठीक कहे ना? और प्लीज़ आप जितना भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग मेरा फुल सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए आप लोग। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़े। तो समुद्र के किनारे हम आ गए हैं, इधर देखिए नारियल पानी बिक रहा है, यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है। भैया शंख बेच रहे हैं, देखिए इनके पास बहुत सारा शंख रखे हुए हैं, इसमें इतना सारा शंख है और ये शंख बेच रहे हैं। और अंकल जी चेक कर रहे हैं भैया कि क्या सब, और भैया यहाँ पे क्या तो बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं भैया? मोती माला। मोती माला, ये देखिए भैया रियल का मतलब यहाँ पे मोती माला बेच रहे हैं। और यहाँ देखिए ऊँट ऊँट भी है, अगर आप लोग आनंद लेना चाहते हैं, इस पर घूमना चाहते हैं बैठ के, तो घूम सकते हैं। देखिए कितना सजावट सजाया हुआ है। ये देखिए ऊंट, मतलब कितना लेता है बैठने का? और थोड़ा में कितना दूर? 100 लोगों का 50 पड़ेगा सर। और बड़ा लोग मतलब 100 रुपया? कितना दूर बैठाइएगा? 100 मीटर जाएंगे, 300 मीटर, 300 मीटर, 300 किलोमीटर तो हो गया। 100 रुपया बोल रहे हैं कि देंगे और 300 मीटर घुमाएंगे बैठा के। बैठने के लिए क्या दे? बैठने का चार्ज यहाँ पे देखिए ऊँट भी है और घोड़ा घोड़ा भी है, मतलब अगर सवारी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर घोड़ा, ये
जा रहे हैं समुद्र में आनंद लेने। चलिए ओए, थोड़ा सा बैग और रख दीजिए दूर, बैग थोड़ा सा दूर रख दीजिए। काफी अच्छा लग रहा है और हम तो कहेंगे कि हमारे पलामू झारखंड के भाई लोग भी कभी यहाँ पे आए और मजा ले, क्योंकि ऐसा दृश्य पलामू झारखंड में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि देखने को मिलता नहीं है। तो इसलिए आप लोग से मतलब कहना चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ पे आए कभी और इसका आनंद ले। देखिए भाई लोग कितना अंदर चल गया। इतना अच्छा लग रहा है, वाओ। ये देखिए हमारे ही एक हमारे तरह भाई लोग हैं यहाँ पे। लग रहा मोबाइल गिर जाएगा। हेलो भाई, कहाँ घर है आप लोग का? देखिए भाई लोग से दोस्ती कर रहे हैं ये लोग, यहाँ का निवासी हैं, पूरी का ही है। और हाय कर दिए मेरे को। भाई लोग से मिलकर अच्छा लगा। बहुत ज्यादा लहर आ रहा है भाई, हम तो अंदर नहीं जाने वाले हैं, डर लग रहा है। कंप्यूटर समुद्र में हम लोग काफ़ी मस्ती किए। और यहाँ पे देखिए अजीबो गरीब मतलब ऐसा मछली आप लोग नहीं देखे होंगे, ये भैया बेच रहे हैं। और बताइए तो भैया कौन कौन झींगा बोलते हैं, टाइगर प्रॉन झींगा है, ये भेकटी माछ है, ये सब भेकटी है, ये टूना फिश है, ये किंग फिश है, ये मैकरेल है, ये स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस भी बोलते हैं, उसको केकड़ा भी बोलते हैं। ये देखिए हम लोग तो पलामू झारखंड में छोटा केकड़ा देखते हैं, लेकिन ये देखिए कितना बड़ा केकड़ा है। और हमको नाम पता नहीं है, क्या नाम इसका बताए? स्क्विड है, स्क्विड नाम बताए, स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस भी बोलते हैं। तो देखिए कितना मतलब अजीब अजीब का मतलब मछली भी है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं अभी भी। तो मतलब आप लोग कोई दूसरा मतलब पकड़ पकड़ के देता है? नहीं, हमारा नाव का अपना है, अपना नाव का।
आप लोग अपने से मारते हैं और फिर यहाँ पे आके बेचते हैं? वाह, सुबह जाते हैं, शाम को आके इधर बेचते हैं। शाम को मतलब इधर 5 बजे लगाएंगे, रात 9, 9:30, 10 बजे इधर बेचेंगे। 10 बजे रात तक बेचिएगा, जो बच जाएगा तो और कुछ हम खाने के लिए ले लेंगे, नहीं तो और भी गोदाम का है, मच्छी का गोदाम है, उसमें भी डालना पड़ता है, नहीं तो कुछ आइस बॉक्स में भी रखना पड़ता है। अच्छा, आप मारने के लिए कब निकल जाते हैं फिर? मॉर्निंग में सुबह सुबह 4:30-5 बजे, 5:30 मतलब 4 बजे चले जाएंगे बीच समुद्र में। हाँ, समुद्र में फिर लौट के आएंगे 3 बजे, 4 बजे, कभी 2 बजे, कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है, कभी 10 बजे भी आ सकते हैं रात को, नहीं दिन भर, दिन में रात भी हो सकता है, कोई ठीक ठिकाना। अच्छा, ये मच्छी है ना, इतना बड़ा समुद्र में कोई छोटा सा पोखरी हो गया, जाल फेंक दो आ जाएंगे उधर, जाल डालो। सही बात, बंसी कांटा में। हाँ, ये सब बड़ा बड़ा सब मच्छी है ना, सब बंसी कांटा में पकड़ना। ये बंसी से पकड़े हैं? आपका क्या, एक बंसी कांटा एक मच्छी पकड़ेंगे, हमारा एक बंसी कांटा 150-200 कटा देंगे, एक बार बंसी कांटा डालेंगे 100-150 मच्छी आएगी एक कांटा से। हाँ, एक कांटा देंगे, एक बंसी कांटा होता है ना। हाँ, आप लोग का क्या ऐसे वाला बाड़ी रखते हैं, चिंगड़ी रखते हैं? हाँ हाँ, मेरे यहाँ तो वैसा ही चलता है, एक मतलब एक कांटा रखे, एक बार में एक ही मछली पकड़ाएगा। हमारा जो है कांटा है ना, एक एक मतलब 1 मीटर 2 मीटर छोड़ के एक कांटा रहता है। अच्छा, समझ गया। हाँ, वैसे वैसे करके मतलब बहुत लंबा और बड़ा, मतलब ऐसे ऐसे छोटा छोटा मछली पकड़ो, कांटा में लगाओ, फेंको, फेंक के जाना है। हाँ, वो जब मछली खाने जब जाएगा तो वो खुद फंस जाएगी। एक मछली में ना मिनिमम 50-60-100 ऐसे मछली पकड़ो। अच्छा, आप क्या एक मछली का फेंका, एक मछली उठा। तो मेरे यहाँ तो पलामू झारखंड में उतना मछली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको उधर क्या नदी तालाब महानदी छोटा छोटा, झारखंड से उधर भी है महानदी होता है ना, महानदी भी आता है वहाँ से भी। हमको तो ये देख के अचंभा लग रहा है, और ये मछली अब तो उसको सोया सॉस डाल के अंग्रेज लोग जो फॉरेनर लोग बाहर आते हैं वो लोग खाते हैं, कच्चा खाते हैं, बताइए। कच्चा खाते हैं, और हम लोग को तो फ्राई करके तेल मसाला वाला खाते हैं, वो लोग मच्छी बच्ची खाएंगे ना बॉईल करके, और भी झींगा को केकड़ा को सब बॉईल सामान वो खाएंगे, बहुत फ्राई सामान बहुत कुछ कम खाएंगे। इधर सब फुटपाथ में आएंगे ना, सब बहुत गोटा गोटा कच्चा मतलब बॉईल करके, और हम लोग को तो ऐसे बॉईल बिना नमक बिना मसाला के खिलाएगा ही नहीं, वो लोग का बॉईल का बहुत पसंद है, उन लोग को वही खाना है। हाँ, वो लोग एक बार खा लेंगे बस, उसका दिन एक बार दिन में वो बस, आप लोग क्या ये खा लिया और कहाँ पर जाके चाट गुपचुप जो भी है वो खा लेते हैं। हाँ, वो लोग एक ही बार खाएंगे, एक ही सामान खाया बस, पेट में बस उतना रहे, और दिन में और कुछ नहीं खाएंगे। तो ये भैया बहुत जानकारी दिए, और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा से मतलब बात की। और यहाँ पे भी हम खाने वाले हैं चिकन पकौड़ा, के हर प्रकार का मछली को तल कर रखा हुआ है। ये देखिए चिकन पकौड़ा खा रहे हैं। आज समुद्र में काफी मस्ती किए, बहुत मजा आया, और आज 4 से 5 घंटा कम से कम नहाए हैं समुद्र में, और अभी जा रहे हैं रूम पे, वहाँ पे जाएंगे और नहा धोवा कर सो जाएंगे, क्योंकि इधर ही अभी खा के चिकन पकौड़ा खा के जा रहे हैं तो पेट तो भर गया है, तो जाएंगे और भीगा हुआ है पूरा शरीर कपड़ा, तो जाएंगे। तो हम रूम पे आके फ्रेश हो लिए हैं, और आज हल्का थकान जैसा लग रहा है, क्योंकि 5 से 6 घंटा समुद्र में आप काफ़ी ज़्यादा मस्ती किए हैं,
और काफी ज्यादा मजा आया है आज। और पलामू झारखंड से किसी को अगर आके पूरी में अगर घूमना हो तो आप यहाँ पे बिंदास घूम सकते हैं, किसी चीज का डर नहीं है। वैसे भी हम लोग झारखंडी हैं, थोड़े ना किसी से डरते हैं। तो बशर्ते आपके पास 7 से 8 हज़ार का बजट होना चाहिए। अगर 7 से 8 हज़ार का अगर आपके पास बजट है तो आप पूरी में आराम से 4 दिन घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा 7 से 8 हज़ार में। देखिए पूरी और झारखंड का मतलब किराया अगर ऐड किए हैं तो मतलब 1500 रुपये पड़ रहा है अप डाउन दोनों का। और यहाँ पे जो पैसा आपका मतलब खर्च होगा वो किराया में रूम का देने में लग होगा, क्योंकि एक दिन का एक रूम का मतलब किराया 1000 से स्टार्ट है, 1000 रुपया, 1200, 1500, 1800, 2200। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि मतलब आप कैसा रूम में रहना पसंद करेंगे। देखिए हम तो इस रूम का 1200 रुपये देते हैं और रूम में कोई शिकायत नहीं है, रूम काफ़ी बेहतर और अच्छा है। देखिए टीवी वगैरह का भी मतलब व्यवस्था किया हुआ है और बेड वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे हम बिखरा के कर दिए हैं खराब, लेकिन 1200 में रूम खराब नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाड़ी भी मतलब किराए पे मिलता है। कल हम एक गाड़ी लिए थे स्कूटी किराए पे, 400 रुपये दिए थे और 300 का तेल डाले थे और दिन भर घूमे थे गाड़ी से। तो यहाँ पे गाड़ी का भी सुविधा है, बशर्ते आप तेल डालिए और घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे खाना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो हम लोग पलामू झारखंड में जो खाना खाते हैं यहाँ पे भी वो सब मिलता है और काफ़ी अच्छा रेट से मिलता है। मतलब 100-150 में एक टाइम का खाना एकदम आपका बिल्कुल अच्छा से हो जाएगा, हो जाता है। तो आपके पास अगर 7 से 8 हज़ार है तो आप बिंदास आके घूम सकते हैं। 7 से 8 हज़ार अगर हम बताए हैं तो उसमें बिना गुटखा सिगरेट का दाम जोड़े बताए हैं 7 से 8 हज़ार रुपया, क्योंकि आप लोग वहाँ पे बात करते हैं कि हम तो एक दिन में 8 गो गुटखा आते हैं तो हम तो एक दिन में 10 गो सिगरेट पी जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को पता है कि कितना गुटखा सिगरेट खाते पीते हैं एक दिन में, तो इसके हिसाब से आप लोग उसका भी अमाउंट अलग से जोड़ लीजिएगा, नहीं तो पैसा फिर कम पड़ जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।